आपका IBNN न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन की जमीन के ऊपर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर कई मामले सामने आए। वहीं अब एक नया मामला सामने आया है। देवास तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत 8 के गांव पंचत लाव में शासकीय भूमि खसरा नंबर 68 दो हेक्टेयर 8 बीघा जमीन जो कि शासकीय रिकॉर्ड के अनुसार गोचर भूमि और गांवठान भूमि है। शिवसेना ग्रामीण जिलाध्यक्ष ठाकुर श्रवण सिंह बेस, जिला उपाध्यक्ष पंडित दशरथ जाट ने बताया कि खसरा नंबर 68 शासकीय गोचर गांवठान भूमि की जांच के लिए देवास SDM को शिवसेना जिलाध्यक्ष सुनील वर्मा ने पत्र लिखा था। जांच तहसीलदार द्वारा कार्यवाही की जाकर एक दल का गठन किया गया। दल द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच मशीन के द्वारा की गई, लेकिन जांच रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई वह आश्चर्यजनक है। जो शासन की भूमि 68 नंबर खसरा है वह भूमि शासकीय रिकॉर्ड में मौजूद तो है लेकिन भूमि मौके पर नहीं है। मशीन द्वारा हुई जाँच में हो सकती है बड़ी गड़बड़ी। शासकीय भूमि चामुंडा माता टेकरी मंदिर की भी भूमि आनंदेश्वर मंदिर देवास की भूमि है। इस मामले में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 68 नंबर की शासकीय भूमि पर चीरा फाड़ी कर भूमि को समाप्त कर दिया गया। अगर मौके पर भूमि नहीं तो फिर शासकीय रिकॉर्ड में कैसे? अगर मौके पर स्थित भूमि वास्तव में नहीं है तो फिर यह शासकीय रिकॉर्ड के नक्शे में कैसे दिखाई दे रही है? या तो फिर यह रिकॉर्ड गलत है या रिकॉर्ड सही है। तो तहसीलदार द्वारा कराई गई जांच आर राजस्व निरीक्षक व पटवारी की टीम की जांच गलत है। मामले में कलेक्टर ने जांच के लिए संबंधित अधिकारी को भेजा व जांच के निर्देश दिए हैं। भाई साहब बताया क्या विषय लेकर आप अभी कलेक्टर कार्यालय पहुंचे? आपने कलेक्टर साहब से चर्चा करी, आवेदन दिया? मेरा विषय था कि देवास जो ग्रामीण क्षेत्र उसकी तहसील के अंतर्गत ग्राम 8 के अंतर्गत पंच तलाव में भूमि सर्वे नंबर खसरा नंबर 68 जिसकी मैंने कुछ समय पहले SDM साहब से जांच की मांग की थी। उसमें महोदय ने जांच भी करवाई। जांच दल तहसीलदार महोदय के निर्देश पर एक जांच दल गठित हुआ। उस जांच दल ने मशीन के माध्यम से जांच की, लेकिन जो जांच हुई है उसके अंतर्गत ये पता चला कि जो शासकीय रिकॉर्ड के अंतर्गत जो भूमि है, भूमि शासकीय रिकॉर्ड के अंतर्गत है, नक्शे में है, लेकिन जांच के दौरान उन्होंने जो नकदी की उसके अंतर्गत ये पता चल रहा है कि वो मौके पर वो भूमि ही स्थित नहीं है। अब मेरा ये मानना है कि ये मशीन की गड़बड़ी के कारण भूमि नहीं मिल रही, कि ये अधिकारियों की गड़बड़ी के कारण भूमि नहीं मिल रही, कि ये जो भूमि है शासकीय रिकॉर्ड में है और ये मौके पर भूमि नहीं है, तो इसका मतलब है या तो किसी की भूमि के अंतर्गत समाहित हो चुकी है और ये भूमि बड़ा कोई खेल हुआ है। ये विषय मैंने कलेक्टर साहब के साथ में रखा है। क्या आश्वासन मिला आपको कलेक्टर से? कलेक्टर साहब से मुझे आश्वासन तो ये मिला है कि विषय जो है ग्राम पंचायत का विषय है और उन्होंने इसमें ये कहा कि जरूरी है कि इस प्रकार की चीज़ें वहाँ पर मौके पर होना चाहिए था, जमीन होनी चाहिए थी वहाँ, लेकिन ये क्यों है और किस प्रकार से, तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और संबंधित विभाग के अधिकारियों को उन्होंने ये पत्र देने के लिए। आपका नाम? सुनील वर्मा, शिवसेना देवाजी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रही IBNN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।